Good morning, students. Hope you all are safe and healthy. My name is Lalita Yadav, and today I am going to discuss our topic, easiest topic, the Earth, our planet. आज हम किसके बारे में जानेंगे? हमारे Earth के बारे में, जो क्या है? Planet है, ग्रह है. ठीक है, but before start this topic, first of all, we have to learn what is the meaning of EVS. EVS होता क्या है? EVS means environmental studies, means पर्यावरण का अध्ययन करना. So what we are going to learn in this subject, इस subject में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं बेटा? We are going to learn in this subject about our nature, about our universe, about our neighborhood and many more things. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं. जैसे हमारी अभी मैंने आपको बताया कि प्रकृति के बारे में, और जो अर्थ के बाहर जो स्पेस होता है यानी कि यूनिवर्स के बारे में, और एनिमल्स, प्लांट्स, हमारा जो आस पड़ोस होता है वो, स्कूल, फैमिली, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे EVS हमें क्या कराता है? अवेयर कराता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द अर्थ आवर प्लेनेट. आज हम किसके बारे में जानेंगे? हमारी अर्थ के बारे में. तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम होता क्या है बेटा? सोलर सिस्टम मीन्स होता है सौर मंडल. ठीक है, और हमारा जो सोलर सिस्टम होता है वो किन चीजों से मिलकर बनता है, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उसमें होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा? सन. सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारा क्या है? सन. उसके बाद जो होते हैं 8 प्लेनेट, मून्स और सैटेलाइट्स. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, स्टार्स, सेवरल अदर कॉमेट्स. ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्ट से मिलकर हमारा क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है. ठीक है, और ये हमारे, इसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल. मीन सौर मंडल जो होता है, सौर मंडल को वैसे कहा जाता है सन की फैमिली को, इसे सन की फैमिली माना जाता है. ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं, एक प्लेनेट है, मून है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, स्टार, सेवरल अदर कॉमेट, ये सभी क्या होती है? सन की फैमिली होती है. ठीक है, और सन से ही और इन सभी ऑब्जेक्ट से मिलकर ये हमारा क्या बनता है? सौर मंडल. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 8 प्लेनेट की. बेटा देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लेनेट होते हैं? 8. एंड दीज आर, वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज मरकरी. पहला क्या होता है हमारा? मरकरी. सेकंड हमारा होता है विनस. थर्ड हमारा होता है अर्थ. फोर्थ हमारा होता है मार्स. फिफ्थ इज जुपिटर. सिक्स हमारा होता है सैटर्न. सेवेंथ हमारा होता है यूरेनस. एंड लास्ट एट्थ हमारा होता है नेपच्यून. दीज आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ये सारे जो 8 प्लेनेट होते हैं ये कहाँ होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में. ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. ठीक है, दे ऑल आर मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट. और ये सभी के सभी जो होते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट में सन के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्र लगाते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में. ठीक है, हमारी अर्थ के बारे में, जो क्या है? इट इज वन ऑफ द 8 प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारे जो अर्थ होती है वो इन सब 8 प्लेनेट में, यानी कि जो सौर मंडल में 8 प्लेनेट होते हैं उन्हीं में से अर्थ भी क्या है? एक प्लेनेट है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनकी लोकेशन के बारे में, तो अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन. हमारी जो अर्थ है वो सन के तीसरे नंबर पर सबसे करीबी प्लेनेट है. मान लीजिए ये हमारा क्या है? सन. उसके बाद हमारा कौन सा प्लेनेट आता है? मरकरी. नेक्स्ट हमारा क्या होता है? सेकंड विनस. और थर्ड हमारा कौन सा प्लेनेट होता है? अर्थ. इसलिए हमारा जो अर्थ होती है वो सन के तीसरे नंबर पर सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है. ओके, अब हम बात करते हैं साइज की. इन अ साइज आवर अर्थ इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट. अगर हम साइज की बात करते हैं हमारी अर्थ के, तो अर्थ जो है वो फिफ्थ नंबर पर सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट मानी जाती है. ठीक है, द लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ. इट हैज एयर, वाटर, सो दीज आर वेरी which are very essential for our survival. ठीक है, because of these reasons our earth is called unique planet. बट आपको पता ही है कि हमारी अर्थ पर पानी और हवा यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों ही चीजें अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो सबसे यूनिक प्लेनेट मानी जाती है.
और पानी की वजह से, यहाँ पर पानी की क्वांटिटी यानी कि पानी की मात्रा जो बहुत ज्यादा में पाई जाती है, तो इस वजह से हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके यस, अब हम बात करेंगे हमारे अर्थ के मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे बेटा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रेवलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, रोटेशन के बारे में, कि व्हाट इज रोटेशन, रोटेशन होता क्या है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स फिक्स पाथ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। हमारी अर्थ का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। हमारी अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इट कॉजेस डे एंड नाइट, और इससे हमारे क्या बनते हैं, दिन और रात। बेटा इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए ये क्या है हमारा सन, ठीक है, और ये हमारी है अर्थ। ओके, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसके जो पार्ट यानी कि हमारी अर्थ जो होती है वो रोटेट करती रहती है, तो अर्थ का जो पार्ट सन की साइड होता है वहां पर हमारा क्या होता है, डे होता है। ठीक है, और जो पार्ट हमारा सन से दूर होता है वहां पर क्या होती है, नाइट। और ये सब क्यों, किसके कारण होता है बेटा, मान लीजिए ये हमारी क्या है, अर्थ। आपको पहले बताया गया है कि हमारी अर्थ जो होती है वो मूव करती रहती है अपने ही एक एक्सिस पर। ठीक है, और जब वो मूव करती है तो ऑब्वियसली उसकी कंप्लीट अर्थ मूव करेगी, तो उससे क्या होगा कि ये वाला पोर्शन अगर दूर है तो ये पास भी आएगा 24 आवर्स में, और ये वाला टर्न करके दूसरी साइड चला जाएगा, और जिससे क्या होगा, जहां नाइट होगी वो चेंज होगी क्या, किसमें चेंज हो जाएगा, डे में, और जहां डे होगा वहां क्या हो जाएगी, नाइट। और इस प्रकार से हमारे दिन और रात बनते हैं रोटेशन के कारण। ओके, अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। बेटा यहाँ रोटेशन में आपको बताया गया था कि हमारी अर्थ जब अपने ही एक्सिस पर मूव करती है तब रोटेशन होता है, लेकिन जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है अपने फिक्स पाथ में, अपने फिक्स पाथ में, तो उससे क्या होता है, रेवोल्यूशन, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, इट टेक्स 365 डेज 6 आवर्स एंड 9 मिनट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। हमारी अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज 6 आवर एंड 9 मिनट, इतना टाइम वो अपना एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में लेती है। अब बात होती है सीजन की, तो बेटा इट कॉजेस सीजंस। रेवोल्यूशन के कारण क्या बनते हैं, हमारे सीजन बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में 4 टाइप्स के जो सीजन है उनको फॉलो किया जाता है, जैसे फर्स्ट हमारा मान लीजिए विंटर है, सेकेंड हमारा क्या है, समर, थर्ड हमारा रेनी सीजन है, एंड फोर्थ इज ऑटम। दीज आर द 4 सीजन्स विच आर फॉलो इन आवर कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।